फ्रेंड्स वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 10 अप्रॉक्सीमेटी ऑफ एक्सप्रेसेस पार्ट ए स्लैश 1। तो फ्रेंड्स उसमें आपको 5 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे मैंने आपको डिवाइड करने के लिए दिया 3/17, तो आप अभी क्या करोगे, आप ये करोगे 3/15, हाथ में आया 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब 0 बढ़ाया, फिर 3/16, फिर बच्चे 2, वापस 0 बढ़ाएंगे, फिर 3/16, बच्चे 2, वापस 0 बढ़ाएंगे, फिर 3/16, बच्चे 2, वापस 0 बनाएंगे। तो अब ऐसे ऐसे आप फिर आपके लास्ट में तो आएंगे, वापस आप 0 लगाओगे, फिर 6 लगाओगे। इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, 5.6 अनलिमिटेड। तो इसको भी हमें कुछ लिखना होगा ना, तो इसे कहते हैं, अब हम लोग इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटिव लगा के लिखेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं, तो अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग सिखा देता हूँ। जैसे कि तो फ्रेंड्स आपको अगर पता हो तो वंस होता है, फिर उसके बाद टेंस आता है, फिर 100। और अगर वंस के अगर इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड 10th आता है, तो राइट साइड क्या आएगा, राइट साइड आपका क्या 10th, 100th, 1000th, तो 5.3 10th, 5.34 10th। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग सिखा दूँ कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है, जैसे कि 5.34 इसे नहीं पढ़ेंगे, 5.34 पढ़ेंगे, ओके। तो अभी जैसे कि ये आपका हमारा ऊपर आया था ना 5.6, ठीक है। तो फिर अब हम लोग अगर इसे करेंगे, तो अगर आपको किसी ने बोले इसे टेनथ में लिखो, तो आप क्या करोगे भाई, किसी ने बोले आपको राउंड ऑफ टेनथ में लिखना है, तो आप क्या करोगे। अभी देखिए, ये हुआ हमारा वंस, ये हुआ हमारा टेनथ, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे भैया, आप जैसे यहाँ पे 5.6 लिख देते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, गलत। अब आप बोलोगे क्यों भैया, हमने तो टेनथ ले लिया, फिर भी हमें क्यों गलत क्यों हो रहा है। तो देखिए इधर ये बात आती है कि मैंने बोला ना इसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर 5 नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी अगर बाद वाला नंबर, यानी जो 6 है, हमें 5.6 का ही लेना है, लेकिन अभी जो ये 6 है ना, अगर वो 5, यानी वो अभी तो ये 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, आपको भी दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, 5 से बड़ा है, इसके लिए 6 में एक और प्लस करके 7 लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एक रूल बन गया, ऐसे रूल है हमारा, अगर हम 10th 100th एक्स्ट्रा को देखें कि निकाले, अगर हम लोग उनके निकालने हो, जैसे कि 10th 5 पॉइंट इतने की हमें 10th निकालना है, तो हम क्या करेंगे। देखो अब क्या ये जो हमारा 6, कौन सा 6 भाई, ये वाला 6 उसने बोला, ये जो हमारा 6 है वो 5 से बड़ा है, तो हाँ भाई है, तो हाँ मतलब अगर हाँ है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा 5.7 आ जाएगा। भाई एक क्वेश्चन तो और उठता ही है कि अगर ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना 6, 5 से बड़ा है तो हमने एक प्लस किया। अब यहाँ पे अगर 7 होता तो क्या करते, 5 से बड़ा है तो 1 और प्लस कर, एक 1 प्लस कर देते, यानी फिर भी 5.7 ही आता, ठीक है। चाहे यहाँ पे अभी आपका ऐसे 5.68 भी आ जाए ना, तो आप घबराइएगा जी, ठीक है। आप इधर 2 प्लस नहीं करोगे, 3 प्लस नहीं करोगे, 5 से बड़ा है यानी 1 ही प्लस होगा, 1 प्लस होगा, 5.7 ही आएगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर 5 से छोटा हो तो क्या करेंगे। अब जैसे कि यही डिजिट बोल दिया हो, यहाँ पे इसके बदले 4 आ गया होता, तो आप क्या करते भाई, ये तो 5 से छोटा है, तो अब हम क्या करते हैं, शांति से 5.6 ले देते हैं। आप बोलते 5.6 क्यों लेगा, क्योंकि अगर 5 से छोटा हो तो 5.6 यानी जो तैनात का निकालना हो वो लिख देने का, अगर 5 से बड़ा हो तो फिर 1 प्लस कर देने का, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो डिजिट है आप उसे तैनात 100th 1000th 100th कितना होगा, यहाँ तक होगा, 1000 कितना होगा, यहाँ तक होगा। तो अब आप देखिए, टेनथ में बोला तो आप क्या करोगे, 5.3 लगा दोगे। अब आप बोलोगे इधर 4 है ना, 4 है कि नहीं, हाँ है, 5 से छोटा है, हाँ भाई 5 से छोटा है, इधर शांति से 5.3 लिख देंगे, ठीक है, जो हो वो
अब आपको 100th में जाना हो तो 5.34, ठीक है, यहाँ तक आया 5.34। अब ये पाई के इक्वल है, सेम है, तो ये भी हमारा एक रूल है इसको सॉल्व करने का। चलिए वो देखते हैं। अब इसमें दो रूल बन रहे हैं, जैसे कि अगर अगर फाई ही हो, अगर फाई हो तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर यानी कि ये अगर फाई ही हो तो ये वाला जो नंबर है ना, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा ना, यहाँ पे आपने, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4, ठीक है, ये नंबर होगा ना, तो अभी मैं आपसे बोलूँ 4 क्या है तो आप बोलोगे इवन, तो वो इवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर ये इवन हो तो वही का वही लिख देंगे, क्या 5.31। पर अगर मैं बोलता इधर 7 है यानी ऑड होता तो हम क्या करते भाई, ऑड होता तो हम क्या करते, अगर ये ऑड होता तो हम उसमें 1 प्लस कर दें। अब चाहे वो 5 से कम हो तो चाहे 5 से ज़्यादा, लेकिन अगर ये ऑड है तो इसमें 1 प्लस होगा ही, इसमें 1 प्लस होगा ही, और अगर ये 5 से ज़्यादा भी होता फिर भी इवन है यानी 1 प्लस नहीं होगा, यानी नहीं होगा, सिंपल वही लिखाएगा, ठीक है, ओके। पार्ट 2 बी प्लस 2, तो अगर हम देखें अभी तक तो हमने क्या किया, वही पॉइंट वाले किए थे हमने, तो अब अगर नहीं पॉइंट वाले यानी ऐसे सिंपल हमारे नंबर, तो क्या करेंगे अभी देखिए इसमें क्या करने का। अभी आपको यहाँ पे 8 लिखा है, 8 5 से बड़ा है, ठीक है, तो अभी हम इसके बाद वाला यानी कि जैसे 40 है, 48 है तो 50 लिख देंगे, यानी 40 50, ठीक है, 37 है तो 40 लिख देंगे हम, 30 है तो उसका बाद वाला यानी 40 लिख देंगे, 70 है तो 80 लिख देंगे, ठीक है, ये बाजू वाले फिर नहीं देखने के, अगर बड़ा हो तो बाजू वाले नहीं देखेंगे, 30 है तो 40 लिख देंगे, पर अगर छोटा हो इसी के हिसाब से अगर आपको दे दिया जाता था 54 तो क्या करते भाई। तो अब तो देखिए अब क्या करेंगे, अभी यहीं पे आपका ये छोटा है ना 50, यानी ये 4 छोटा है 5 है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब 50 ही लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो अगर आप अब भी आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटिव फिनिश होता है, यही था आपका चैप्टर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।